केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतिम बजट पेश किया। ये एक अंतरिम बजट था जिससे अलग कुछ महीनों को ध्यान में रखकर ही तैयार किया गया था। आम चुनाव के परिणाम आने के बाद जब देश में नई सरकार बनेगी तो फिर से पूर्ण बजट पेश किया जाएगा। अपने बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की कि फिलहाल इनकम टैक्स स्लैब में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया जा रहा है, यानी कि जो टैक्स स्लैब 2023-24 के लिए लागू की गई थी वही पूर्ण बजट पेश होने तक भी लागू रहेगी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि आने वाले समय में भारत सरकार 1 करोड़ घरों को हर महीने 100 यूनिट मुफ्त बिजली देने पर विचार कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि आज देश में हवाई अड्डों की संख्या 149 हो चुकी है। बहुत ही मेरे जीवन में बहुत ही उत्साहवर्धक है और आगे के लिए भी और अधिक आशाएं बढ़ती हैं। और भारत के पानी की सिंचाई की इतनी इस समय मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि इंटरिम बजट के कारण ही जो भी इंडिकेशन इस बजट से मिले हैं कि हमारी इकॉनमी जो आज दुनिया की 25 कंट्रीज में है उसकी साइज बढ़कर 2027 तक मोर देन $5 ट्रिलियन जाएगी और 2030 आगे आके मोर देन $7 ट्रिलियन। सर 2047 का जो एक रोडमैप तो दिया है प्रधानमंत्री जी, उस रोडमैप से उस टारगेट को हम अचीव करेंगे हम लोग पूरी तरह से। थैंक यू और थैंक यू सर। वेल इट वाज वन ऑफ द शॉर्टेस्ट स्पीचेस ऑन रिकॉर्ड इन द बजट एंड नॉट वेरी मच केम आउट ऑफ इट एज यूजुअल लॉट ऑफ रिटोरिकल लैंग्वेज very little concrete on implementation, some serious questions about areas of omission, no reference to the success or failure of the PLI scheme which is taking so much money. She talked about foreign investment without acknowledging that investment has come down significantly. She talked frankly about a number of things that are couched in vague language like for confidence and hope and so on. But when it comes to hard figures, there were very few figures available. For example, she talked about foreign direct investment.